द फेरिंग्स एंड इसोफेगस स्वेलिंग एंड पेरिस्टालसिस। कि अब जो हमने यानी कि जो फूड की जो ग्राइंडिंग मैस्टिकेशन हो चुकी है, लुब्रिकेशन भी हो चुकी है, उसके बाद जो बॉलस एंटर हो चुका है अंदर, अब उसके साथ क्या होगा, क्या क्या स्टेप्स परफॉर्म होंगे? तो उसमें सबसे पहले अगर हम देखें तो वो फेरिंग्स, इसोफेगस, स्वेलिंग एंड पेरिस्टालसिस ये आते हैं। अगर हम ये बात करें कि जिस तरह हमें पता है कि एक विंड पाइप होती है और एक जो है वो फूड पाइप होती है, यानी कि अगर हम बात करें तो एक वो पाइप होता है हमारी बॉडी में, हमारी जो नेक रीजन है इसके अंदर एक पाइप ऐसा होता है जिसके ज़रिए विंड पास होती है, हवा पास होती है, ऑक्सीजन एंटर होती है, और एक पाइप ऐसा होता है जिसके ज़रिए फूड एंटर होती है स्टमक के अंदर, और ये दोनों साथ साथ होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो अगर हम इस तरह देखें, जब हवा जो एंटर होती है उस वक्त ये होता है कि जो हमारी जो फूड पाइप होती है ये थोड़ी क्लोज होती है। इसी तरह जब हम ये बात करें, जब हम फूड को इंजेस्ट करते हैं तो जो विंड पाइप है वो क्लोज़ हो जाती है। यानी कि अगर हम ये बात करें कि जो अगर तो विंड पाइप क्लोज ना हो तो उसका उल्टा नुकसान ये हो जाता है कि जो हम फूड ले रहे हैं वो ओएसोफेगस में तो जाएगी जाएगी, इसके साथ साथ वो विंड पाइप में भी एंटर हो जाती है। जब फूड जो है अगर वो विंड पाइप में एंटर हो जाए तो वो फिर लंग्स में जाती है और लंग्स को डिस्ट्रॉय करती है। तो यही वजह है कि जो फूड जब हम इंजेस्ट करते हैं तो उस दौरान विंड पाइप को क्लोज कर दिया जाता है, और इसके साथ साथ जो हमारी नेजल कैविटी है, जो ऊपर नॉस्ट्रिल्स हैं, नोज की जो कैविटी है, उसको भी क्लोज कर दिया जाता है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो जो टंग होती है ये हमारे अंदर जो ओरल कैविटी में जो फूड मटेरियल है उसको जब बोलस बनता है उसका, तो टंग जब उसको अंदर की तरफ रोल करती है तो होता यह है कि जो सॉफ्ट पैलेट होता है हमारा वो ऊपर की तरफ अपवर्ड मूव करता है। जब सॉफ्ट पैलेट अपवर्ड मूव करता है तो उसी दौरान ये होता है कि जो नेजल कैविटी है हमारी वो क्लोज हो जाती है, यानी कि जो नोज की कैविटी है वो क्लोज हो जाती है। सेम अगर हम बात करें तो इस तरह होता है कि अगर हम देखें, जब फूड पार्टिकल अंदर एंटर होता है इसोफेगस के ज़रिए, दो ट्यूब्स होती हैं, एक होती है इसोफेगस और एक होती है ट्रैकिया। जो इसोफेगस होती है ये फूड पाइप होती है जिसके ज़रिए फूड एंटर होता है स्टमक के अंदर, और एक होती है ट्रैकिया। अगर हम ट्रैकिया की बात करें तो ट्रैकिया जो है ये विंड पाइप होती है जिसके ज़रिए जो हवा होती है वो लंग्स के अंदर एंटर होती है। तो यही कंडीशन सेम यहाँ पर अगर हम बात करें तो इस तरह होता है कि जो ट्रैकिया होता है, ट्रैकिया जिसे मैं विंड पाइप बोल रहा हूँ, यानी कि ट्रैकिया जो है वो विंड पाइप होती है, उसका जो टॉप होता है, टॉप, अब उसके ऊपर एक कैप लगा होता है। यानी कि अगर हम इस तरह बात करें, ये हमारे पास इसोफेगस आ गई, इसी के साथ बिल्कुल साथ क्लोजली ये हमारे पास है ट्रैकिया, यानी कि ये टू ओपनिंग्स हैं, यहाँ पे टू ओपनिंग्स हैं, और यहाँ पे करके एक ट्यूब होती है जिसे फेरिंग्स बोलते हैं, और यहाँ पे एक इस तरह से एक कैप लगा होता है, ठीक है। अब अगर हम ये देखें तो ऊपर एक ही ट्यूब है लेकिन फर्दर वो नीचे टू बन रही है उससे, यानी कि अगर हम बात करें तो हम हवा भी इसी ट्यूब के अंदर लेके जा रहे हैं और फूड भी। फेरिंग्स जो है, फेरिंग्स का काम ये होता है कि ये फूड को भी अंदर लेके जाती है और हवा को भी, पर जब फूड अंदर जाती है तो उसकी एक अलग ट्यूब निकलती है जिसे इसोफेगस बोलते हैं, जिसके ज़रिए फूड जो है वो आगे स्टमक में एंटर हो जाती है, और जो हवा होती है वो फेरिंग्स से आगे ट्रैकिया में चली जाती है, ट्रैकिया से फिर आगे लंग्स में, यानी कि इनके डिफरेंट डिफरेंट पाथवेज होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो फूड मटेरियल जब इस तरह से एंटर होता है तो क्या होता है कि फूड मटेरियल ने जाना होता है यहाँ पे इसोफेगस में, इसने ट्रैकिया में नहीं जाना होता, क्योंकि अगर ट्रैकिया में जाएगा तो ट्रैकिया के ज़रिए आगे लंग्स में चला जाएगा, तो लंग्स जो हैं वो फिर डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, लंग्स को नुकसान होगा। तो यही वजह होती है कि यहाँ पे एक कैप लगा होता है जिसे एपिग्लॉटिस बोलते हैं। जब फूड मटेरियल इसके साथ आकर अटैच होते हैं तो जो ग्लॉटिस होता है वो उसको एपिग्लॉटिस को बंद कर देता है। ग्लॉटिस जो होता है ये बिल्कुल उसके टॉप पर होता है, उसकी जो ओपनिंग होती है, और जो एपिग्लॉटिस होता है, एपिग्लॉटिस कैप होता है ट्रैकिया के बिल्कुल ऊपर। तो जैसे ही जो फूड मटेरियल जब आता है तो एपिग्लॉटिस जो कि कैप होता है ट्रैकिया के ऊपर वो इस तरह से क्लोज हो जाता है, और सारा जो फूड मटेरियल होता है वो इसोफेगस के जरिए अंदर चला जाता है स्टमक तक। तो ये तो प्रोसेस देख लिया ना कि एंटर किस तरह हो रहा है, स्वेलिंग किस तरह हो रही है। अब अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर हम देखें तो पेरिस्टालसिस है और स्वेलिंग है। स्वेलिंग क्या है और पेरिस्टालसिस क्या है? स्वेलिंग कहते हैं कि किसी भी मटेरियल को अंदर की तरफ इंजेस्ट करना, यानी कि उसको इंगल्फ करना। इस तरह जो पेरिस्टालसिस होती है ये तरीका होता है उसको इंगल्फ करने का। लाइक अगर हम देखें
ये एक शेप है, ये ट्रैकिया की शेप है, यानी जो हम ये सॉरी एसोफेगस की शेप है, जो कि हमारी फूड पाइप होती है, यानी जो हमारी फूड पाइप होती है जिसके जरिए फूड जो है वो एंटर होता है हमारे स्टमक के अंदर, ये उसकी शेप है उस वक्त जब फूड एंटर हो रहा होता है। लाइक अगर हम बात करें तो एक वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन चलती है, यानी कि जो एसोफेगस है ये कॉन्ट्रैक्ट भी करती है और रिलैक्स भी करती है, किस वक्त जब फूड ने एंटर होना होता है स्टमक के अंदर। लाइक अगर हम बात करें तो इस तरह से फूड पार्टिकल जो है वो एंटर होता है, जब फूड पार्टिकल एंटर होता है तो ये इस तरह से रिलैक्स करती है, और जब इसने फूड पार्टिकल को आगे भेजना होता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट कर देती है अंदर की तरफ, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट करती है ताकि उसको पुश किया जा सके नीचे की तरफ। तो यहाँ से ये पुश की ताकि इसको नीचे की तरफ पुल कर दिया जाए, और जब ये पुल हो जाता है नीचे की तरफ तो जो ऑसोफेगस की वॉल्स हैं वो बिल्कुल रिलैक्स हो जाती हैं। नेक्स्ट फर्दर फिर वही प्रोसेस कि इसकी वॉल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, अंदर की तरफ पिंच होंगी, और जो फूड पार्टिकल है जो बोलस है उसको नीचे की तरफ पुल्ड कर दिया जाएगा सेम एज इट इज़ इसी तरह से, और फिर रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट करेगी, रिलैक्स होगी, और एक वक्त आएगा कि ये जो कंडीशन है जो बोलस है ये स्टमक में एंटर हो जाएगा। तो इस कंडीशन को बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस। और एक इसकी जो रिवर्स है वो ये होता है कि एंटी पेरिस्टाल्सिस होती है। एंटी पेरिस्टाल्सिस क्या होती है कि एंटी पेरिस्टाल्सिस के अंदर उस वो कंडीशन होती है वॉमिटिंग की, जो वॉमिट होता है, तो उसमें ये होता है कि एंटी पेरिस्टाल्सिस हो जाती है कि जो फूड पार्टिकल्स होते हैं वो अपवर्ड मूव करना शुरू कर देते हैं जिसके नतीजे में वॉमिटिंग होती है। तो ये सारा जो प्रोसेस है ये इन्वॉल्व होता है हमारी जो फेयरिंग से लेकर ऑसोफेगस स्वेलिंग और पेरिस्टाल्सिस है, ये सारा प्रोसेस होता है। और अगर हम एडल्ट की बात करें, एडल्ट तो इसमें जो यानी कि लेंथ होती है हमारे पास जो मेन फेरिंग्स की लेंथ है वो होती है 25 सेंटीमीटर, यानी कि इतनी लेंथ होती है इसकी। तो ये सारे के सारे जो प्रोसेस हैं ये इन्वॉल्व होते हैं इस कंडीशन में। ओके थैंक्स।